स्वागत है पीटीसी न्यूज में विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स। विचार तकरार एक अहम मुद्दे पर विचार चर्चा लैके हाजिर हाँ। जून का महीना जो भी आता है तो पूरी दुनिया के वसते नानक नाम लेवा सिखा के मन के अंदर एक टीस पैदा कर दिता, एक अजिहा नासूर बन चुकया वह जख्म जिहड़ा रह रह के रसदा रहिंदा और मुल्क दे विच रहिंदा। हर बछिंदा यह सोचता कि आखिरकार अजिही की नौबत आ गई सी कि ऑपरेशन ब्लू स्टार साका नीला तारा करना पिया। देश की आजादी तो बाद पंजाब दे विच होई पहली फौजी कार्रवाई में लगभग 38 साल बीत चुके हैं तो उस समय की सच्चाई अज भी हर कोई जानना चाहता। वह सच जिसनों हर किसी ने आपो अपने तरीके दे नाल बयान किया, पर असल दे विच हकीकत की है हमेशा गुजा भेत ही बनया रहा। अज भी जो जून का महीना शुरू होंदा तो पूरी दुनिया दे विच वसदे सिख उन्होंने सामने उही तस्वीर आ जांदियां ने, उन्होंने अखां सामने वह तस्वीर आ जांदियां ने जो कदे भुलाईयां नहीं जा सकदियां। गल है आज तो 38 साल पहला हुई ऑपरेशन ब्लू स्टार की, यानी साका नीला तारा की। पीटीसी न्यूज़ वालों कोशिश की गई है दर्शकों तक वो सच्चाई पहुँचाने की, उस वक्त असल दे विच होया की सी दसण की कि वह जो हालात से सूबा सरकार ते स्थानक प्रशासन का इस पूरे मुद्दे ते रोल किन्ना कु सी। असी कुछ चशमदीद उस वक्त के अफसर ते सीनियर मुलाजमान दे नाल गलबात की, इस सारे मसले की सच्चाई जानने की कोशिश की, इस सारे मसले तो पर्दा हटाने की कोशिश की। साड़ी खास पेशकश साके का सच देखो और यह भी जानकारी दे दिए कि उन्होंने विचों कुछ अजिहे लोग ने जिहड़े हुण इस दुनिया दे विच नहीं है। असी पहला ये सारे उन्होंने बयान रिकॉर्ड किए थे, कुछ लोग इस दुनिया दे विच नहीं ने, पर जांदिया जांदिया वो अजिही हकीकत बयान करके जिस तों बाद साके का सच सब दे सामने है। साके का सच शुरू करने तो पहला कुछ तस्वीर तुम्हें तो दिखाना चाहते हैं, वह तस्वीर जिसनों वेख के तुम भी कुरला उठोगे, तो भी जख्म अले हो जाएंगे कि किवें श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के सरूप में उस वक्त गोली नाल छलनी कर दिता गया सी। आज भी उस रूप जख्मी हालत में संभाल के रखा गया। पिछले साल तो उस रूप इन्ह दिनों संगत के दर्शन ही रखा गया, आओ तो भी दर्शन कराने। जख्म सिख कौम के हिरदे नासूर बन के रिस रहे ने, जो अपने ही मुल्क अपनी ही सरकार वालों सिख कौम नू इंज दरड़न की कोशिश की गई कि उन्होंने सब तो पवित्र स्थान नू भी निशाना बनाने तो पिछे ना हटी इंदिरा गांधी की सरकार। चौरासी के कलूकारे का दर्द सिख कौम की रूह दे विच इस कदर वसया कि उन्होंने खुद नू उस तो वक्ख करना मुमकिन ही नहीं। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के जख्मी हुए इन अंगों को वेख के 37 साल की पीड़ मुड़ चेते आ गई। इतरिश वेख के ना सिर्फ सिख सगो रब नूं मनण वाले हर शख्स दियां अखां दे विच हंजू आ जाणगे। श्रोमणी कमेटी के फैसले ने अज की पीढ़ी नूं भी उस दर्द का एहसास करवाया जिस नूं हुण तक उह सिर्फ कहानियां दे विच ही सुणदे आए सन। उहनां दे गुरु दे सरूप इह साबित करदे ने कि तशद्दद ढाउण दे विच इंदिरा गांधी दी सरकार ने मुगलां नूं भी पछाड़ दित्ता सी। श्री हरिमंदर साहब और श्री अकाल तख्त साहब से जो गोलियां ते तोपां नाल हमला किया गया उस समय सिख कौम नूं तां निशाना बनाया ही गया, नाल ही श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पवित्र स्वरूप भी इस जबर का शिकार बने। जिल्द सने तकरीबन 90 अंक इस पावन स्वरूप के जख्मी हुए जिसके दर्शन अज पूरी दुनिया नूं करवाए गए। दर्शन करिए जी बोले सोने हाल। पावन जिल्द गुरु ग्रंथ साहब जी दे जिस विच संगत जी कनारे तो गोली लगी है और ये गोली खिसकती हुई पत्रियां दे विच चले गई है, जिदे आप जी बड़े प्यार नाल दर्शन कर रहे हो। गुरु साहब जी दे शब्दां दा रागां दा जिक्र किया गया, यो तत्करे ये पावन स्वरूप प्यार रहन करके
और गोली नाल जख्मी होण करके जिते जिते गोली दे निशान लगे ने उस पावन स्वरूप अते जख्मी करन वाली गोली भी संभाल के रखी गई है ता जो पूरी दुनिया नूं ये पता लग सके कि साडे गुरु ते गोलियां चलाण वाले कोई होर नहीं बल्कि अपनी ही सरकार से। जख्मी होए इना अंगा अते गोली नूं वेख के दर्शन करन पहुंची संगत दे दिल भी विलुंद रह गए। बहुत दुख लग रहा है जी, शब्द नहीं है कहने। श्री दरबार साहिब अमृतसर जो रहा गुरु नूं भी इस जालम सरकार ने बख्शा नहीं है, वो साडे हिरदे विच जिन्ना चिर साडे विश्वास आ उन्ना चिर सदा ही साडे हिरदे विच दुख रहूगा। साडे पूरी सिख कौम दे हिरदे बुलंदरे पए ने, अपने देश दी सरकार होवे ते अपने देश दे लोकां दे नाल इदां करे। बहुत दिल दुखी है, पापियां ने बहुत माड़ा कीता वाहिगुरु जी। इन्हां इन्हां नहीं सोचा भी साडा सिखां दा गुरु वा गुरु रामदास कदी नहीं बख्शेगा, इन्हां पापियां नूं कदी भी नहीं बख्शेगा। बहुत ज़्यादा मन दुखी हुंदा पर इन्ना इन्नी मनता करन वाली इन्ने स्थान नूं इन्हां ने बहुत ज़्यादा बेअदबी कीती आ पर इन्हां दा अंत जिहड़ा माड़ा। दर्शन किए तो बहुत मन में दुख होया वा इस गल का भी उदो जो ये कुछ भी ये भाणा वरत्या नहीं वरतना चाहिए। बहुत सिंह शहीद होए, बच्चे छोटे शहीद होए। श्री अकाल तख्त साहब की दर्शनी ड्यूटी ते लगे गोलियां दे निशान उस घल्लूकारे दियां कौड़ियां यादां नूं ताज़ा करते हैं। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘੱਲੂਕਾਰੇ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਰੂਪ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਨਿੰਦਰ ਮੋਂਗਾ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। सो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों पिछले साल तो यह कोशिश की गई है कि जिहड़े जख्मी स्वरूप ने वह सिख कौम के लिए दर्शनों वास्ते रखे जाण ता जो सिख कौम नूं यह पता लग सके कि साल 1984 जून 1984 दे विच ना सिर्फ शरीरक तौर पर नुकसान होया सी बल्कि अध्यात्मिक तौर पर भी साडा नुकसान होया सी। सो साडी इस पड़ताल के दौरान कुछ गल्लां अजिहियां भी सामने आईया जिस बारे हाले तक ज़्यादातर लोगों नूं पता ही नहीं सी। हर अफसर ने साका नीला तारा के अजिहे तत्थां ते रोशनी पाई जिस सुन के असी भी हैरान रह गए। साडी भी जिग्यासा वध गई कि आखिरकार होर किन्ना कुछ जुड़िया होया इस साके दे सच दे नाल। दहाके बीत गए ते पिछे छड़ गए कई गुजे सवाल जिन्हां उत्ते समें दीआं कहानियां राजनीतिक बयानबाजियां ते इल्जामां दी धूड़ जमदी गई, पर हकीकत की है यह सवाल गुजा भेत बन के ही रह गया। इन्हां सवालों जवाबों की सच्चाई नूं बेपरदा करन दी कोशिश की थी पीटीसी न्यूज़ ने। समा 5 ते 6 जून 1984 की दरमियानी रात, स्थान पंजाब। साका नीला तारा नूं लैके पीटीसी न्यूज़ वालों की कोख पड़ताल तो कई गल्लां सामने आईया जो स्पष्ट कर दियां ने कि फौज दे पंजाब च दाखल होण तो लैके श्री दरबार साहब अमृतसर ते हुए हमले तक अजे भी कई गलत धारनावां प्रचलित ने। सियासी धिरां होण जां विशामाहर उन्हां वल्लों कई तत्थां नूं अपनी समझ मुताबक तोड़ मरोड़ के पेश कीता जांदा रिहा है। सच्चाई जाणन दे लई असीं उस वक्त अमृतसर अते राजधानी चंडीगढ़ विच तैनात अफसरां नाल संपर्क कीता जो कि अपनी जिंदगी दे इक अजिहे पड़ाअ च ने जिथे सिर्फ आराम करना ही रह गया। सो अजिहे दे विच महसूस कीता जांदा है कि वह सच ते सिर्फ सच ही बोल रहे ने। तत सामने आए कि साका नीला तारा दी उस वक्त ही प्रधानमंत्री अते उसके सहयोगियों की गैर कानूनी कार्रवाई सी जिस विच पंजाब सरकार नूं पूरी तरह हनेरे च रख्या गया। कानूनी प्रक्रिया नूं छिके टंग के सूबे नूं सीधा ही फौज के हवाले कर दिता गया। रोल ऑफ द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की सी आई वुड से वर्चुअली जीरो।
ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਮੀ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਕਿਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਖੁਦ ਜਨਰਲ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਜੀ ਮੈਡਮ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਏ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਉਮਰ 86 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਫੌਜ ਦੂ ਕਿਸੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਲੀਗਲੀ ਫੌਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਈ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ। 3 ਜੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫੌਜ ਪਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲਿਖੇ 3 ਲਾਈਨ ਦੀ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਇਲੀਗਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰੂਟ ਨਹਿਰੂ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਂਟੀਸਿਕ ਸੀਗਾ। ਤੁਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ NS ਰਤਨ, ਜੋ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ। ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ 'ਚ ਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੇਗਾ ਸੈਂਟ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਦੀ ਏਰੀਆ ਕਮਾਂਡਰ, ਏਰੀਆ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਟੀਮ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਅਸੈਸ ਕਰਨਗੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਇਨ ਦਿਸ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਨੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋਡ। ਰਤਨ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੋਲ ਆਫ ਦੀ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਵਰਚੁਅਲੀ ਜ਼ੀਰੋ। ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਮੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਿੰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਸੇਜਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਤਨ ਨੇ ਉਸ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਟੋਲਡ ਜਨਰਲ ਕੰਸਰਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਿਟਨ ਆਰਡਰ ਮੇਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਲੈ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਬੋਥਰਡ, ਬਟ ਵਿਦਆਊਟ ਅਥਾਰਟੀ ਫਰੋਮ ਦੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਪਰਮਿਟ ਯੂ ਟੂ ਓਪਨ ਫਾਇਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਦੈਟ ਵਾਜ ਦੀ ਫਸਟ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਏ ਸੀ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ
आईपीएस उस वेले ते तत्काली दूजे मुख सकत्तर केडी वासुदेवा जो इस वक्त लगभग 87 साल दे ने उन्हां दे मुताबक फौज की कार्रवाई का फैसला सिर्फ ते सिर्फ केंद्र सरकार दा सी अते पंजाब दे गवर्नर नूं तां सिर्फ चिट्ठी जारी करन लई आदेश दित्ते गए जो कि उस वक्त दे गृह सकत्तर अमरीक सिंह पूनी ने जारी कीती। पर एक मिसकनसैप्शन है कि आर्मी नूं लियाउण वास्ते बिकॉज गुरदेव सिंह बराड़ वॉज रिफ्यूजिंग टू अलाउ द आर्मी एंड दैट्स वाई रमेश इंद्र वॉज कॉल्ड इन, वॉज इट करेक्ट? बिल्कुल गलत है जी, ये तो गवर्नर साहब दिल्ली तो आके उन्होंने बुलाया सी मैनू और होम सैकटरी और उन्होंने कहा कि उन्होंने डिसाइड किया टू कॉल इन द आर्मी एंड जनरल सुंदर जी इज कमिंग इन ए फ्यू मिनट्स and General Sundar ji came in a few minutes and the rest is history. Vasudevan ne vi spasht kita ki Deputy Commissioner Brad ne videsh jaan layi chutti di darkhwast pehla hi ditti hoyi si. Us da fauji karwai de naal koi sambandh nahi si. Gurdev Singh ne chutti jana si apply kita hoya si aur Ramesh Andar Singh mazmoon suitable officer samjha gaya utthe di posting layi. Us waqt mauke te tainat brigadier Onkar Singh Guraya naal jadon sampark kita gaya to Onkar Singh ne spasht kita ki fauj di karwai de hukm pradhan mantri Indira Gandhi to aaye san, is de vich deputy commissioner da koi role nahi si. Baad vich pata laga, us din ta nahi pata laga, par eh baad ch pata laga ki prime minister ne khud जनरल सुंदर जी ते जनरल बराड़ नूं बुला के उन्हां दी ब्रीफिंग कीती है ते उन्हां नूं ये हुक्म दित्ते ने दिल्ली दे विच डी सी इज़ नो बडी टू अलाओ और नॉट अलाओ। जदों हुक्म प्राइम मिनिस्टर तो आए ने ते डी सी कैन एट दी मोस्ट से कि आई डोंट एग्री। उस समय दे सीनियर अफसरां दे विचों एक अफसर सन तत्काली डी आई जी बी एस एफ जी एस पंधेर जिन्होंने सानू दस्या कि हालात उस वक्त इन्ने खराब हो गए सी कि उस वक्त केंद्र सरकार ने सारे फैसले अपने हाथ दे विच लै ले। इन्हां फैसलों उपर डीसी नूं हुक्म मनना ही पैंदा सी। केंद्र सरकार ने सूबा सरकार नूं टिच समझदिया होया उस वक्त उस नूं पूरी तरह साइडलाइन करता ते सारियां पावरां अपने हाथ दे विच लै लईआं। उस वक्त दे डीआईजी बीएसएफ अमृतसर गुरदयाल सिंह पंधेर जिन्हां उत्ते देश द्रोह दा इल्जाम लगाया गया ने पीटीसी नूं दस्या 3 जून नूं सवेरे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने नोटिफिकेशन इशू किया सी कि सिचुएशन इज़ वेरी बैड तो दे हैव हैंडेड ओवर टू द सिचुएशन टू द आर्मी टू ब्रिंग इट अंडर कंट्रोल। जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन हो जाए उहदे च एवरीबडी उहदे च एक्सेप्ट करते उस नोटिफिकेशन ना। डीसी ने भी लिख के देता सी, डीसी दी लोड़ नहीं सी उहदे च, गवर्नमेंट दे नोटिफिकेशन डीसी ऑटोमैटिकली उहनां दे हुक्म मन्नेगा। पंधेर हुरा ने फौजी जरनैल कुलदीप सिंह बराड़ का भी जिक्र किया। जरनैल साहब ने मीटिंग की थी, जरनैल साहब अपने जनरल कुलदीप सिंह बराड़ सी मेजर जनरल, तो उदे सीगा जी वो सानू के जी आ सिचुएशन समबडी इट्स ए वेरी वेरी माइनर सर्जिकल ऑपरेशन इट विल बी ओवर इन नो टाइम एंड दिस थिंग दैट थिंग। मगर जी ये इट इज़ नॉट ए मैनी सर्जिकल ऑपरेशन, इट्स विल बी ए पक्का बिग ऑपरेशन बिकॉज दे कैन नॉट बी बैटर डेथ फॉर ए सिख दैन टू डाई डिफेंडिंग हिज फेथ। तो पिंडर वाले का 100 बंदा पक्का कमिटेड हैगा, उन्हें तो मरना ही मरना, तो 25 बंदे तुहाडे मर जाए तुसीं इन्हां दा पानी कट दो बिजली नो 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 इट विल बी ओवर इन नो टाइम दिस इज अ डू आर डाई नॉट टू रीजन वाई। सीआरपीएफ ते डीआईजी बीपी तिवारी ने पेचीदा हालात नहीं पांदे होया क्या कि वख-वख सुरक्षा एजेंसियां एक दूजे उत्ते आरोप लाउंदियां सन। वेल व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज व्हेन अ नंबर ऑफ एजेंसीज आर इन्वॉल्वड एंड द रिजल्ट्स आर नॉट अचीव्ड, नेचुरल टेंडेंसी इज टू ब्लेम वन अनदर एंड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग ऑफ कोर्स वाज देयर। The CRPF had a feeling that local police was not cooperating and vice versa. I flew to Mount Abu National Security Academy to attend a meeting called by the then Prime Minister on the 8th of June 84. उस वक्त डिप्टी कमिश्नर अमृतसर गुरदेव सिंह बराड़ ने भी मनिया कि कार्रवाई के हुक्म प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तो आए सन। जदों मैं अमृतसर डीसी पहुंचे
ਉਹਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਅਪ ਟੂ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੀ, ਦਿੱਲੀਓਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨੀ BSF ਅਤੇ CRPF ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਜੂਨ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। 9 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਓ ਤੁਸੀਂ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਗੇ ਗੁੱਡ ਨੰਬਰ 'ਚ ਆਏ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਸਕਰੀਅੰਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਏ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੌਜ ਦੀ ਫਾਰਮਲ ਰੈਕੁਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਪੁਨੀ ਤੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਾ ਕੇ ਡੀ ਵਾਸੂਦੇਵਾ ਸਾਹਿਬ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਜੀ, SS ਧਨੋਆ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਾਈ ਗਈ। ਬਟ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ, ਮੁਕਤਸਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ ਰੈਕੁਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 1978 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਨ 1978 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਐਜ਼ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੀ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੇਰਾ ਗਵਾਂਢੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ SSP ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ADC ਸੰਗਰੂਰ ਸਰਵ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪੰਚਾਇਤ। ਉਸ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ 1 ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸ ਪੋਸਟ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੱਡੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਕੀ ਇਹ ਹਮਲਾ ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੀਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਰ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਜਾਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਛਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਤਦੇ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀਗਾ, ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ। ਸੋ ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਦਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ।
सो समय समय से जोरदार तरीके नाले मांग उठती रही है। साका नीला तारा ऑपरेशन की तस्वीर साफ होनी चाहिए है, क्योंकि वार वार यह भी गल्लां सामने आईया कि साका नीला तारा नूं अंजाम देण दे लई भारत सरकार ने विदेशी ताकतां की भी मदद ली सी। सो इन्हां सारे चशमदीदां दे बयानां तों बाद एक गल बिल्कुल साफ हो गई है कि यह सोची समझी व्यौंतबंदी सी जो कि उस वेले दे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वालों घड़ी गई सी अते सूबा सरकार दे हक्कां नूं पूरी तरह अणगौलियां कर मुदोलदियां होया इस कार्रवाई नूं अंजाम दिता गया। एक छोटे जे ब्रेक लिए थे रुकने का वक्त हो गया। ब्रेक तो बाद भी साड़ी खास पेशकश नहीं भुलेगा, साका नीला तारा जारी रहेगी। साका नीला तारा दुखान दौरान सिख कौम का बहुत वड्डा नुकसान होया, जानी नुकसान के नाल नाल श्री अकाल तख्त साहब नूं टह टेरी कर दिता गया। 3 जून तीन एतवार श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिहाड़ा, फौज ने श्री दरबार घेरा पा लिया और पूरे पंजाब दे विच करफ्यू ला दिता गया। जो संगत श्री दरबार साहब के अंदर सी वह अंदर ही रह गई और बाहरों किसी भी श्री दरबार साहब के अंदर जाने तो रोक दिता गया। इस सब के विचकार 3 जून का सूरज डुबण के नाल ही फौज ने हुक्म मिलने के नाल ही गोलीबारी शुरू कर दी। शुरुआती दौर के विच यह गोलीबारी कुछ हल्की सी, पूरी रात रुक रुक के गोलीबारी दोहों पास होती रही। फौज ने खड़कों के असले की ताकत का अंदाजा लगाने लई अपनी एक कार्रवाई शुरू की सी। फौज ने श्री हरिमंदर साहब के आले दुआले दियां लगभग सारिया इमारतों से अपने जवानों नूं भारी असले बारूद नाल तैनात कर दिता। 4 जून दिन सोमवार सूरज की टिक्की आसमान च चमकी। फौज ने सिख इतिहास के सब तो अहम निशान बुंगा रामगढ़िया वाल नूं अपनी मशीन गन्ना के मूह खोल दिते। गोलीबारी तेज हो गई, फौज ने बारूदी पाउडर की वरतों की, जनरल सुबेग सिंह वालों बिछाए गए जाल नूं भेदण की कोशिश की। इस तों बाद फौज ने गुरु नानक निवास की इमारत कोल टैंक एपीसी तैनात कर दिते। इस थां ते हुई गोलीबारी दौरान लगभग 100 लोग मारे गए। हुण फौज के कमांडर के एस बराड नूं समझ आ गई सी कि उन्हां जो व्यौंतबंदी तैयार की है वह उन्नी पुख्ता नहीं है, खड़कों को असला बारूद काफ़ी वड्डी मात्रा के विच है। हालात विगड़दे वेख फौज ने कुछ समय लई गोलीबारी रोकी और उस वेले ते श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जथेदार गुरचरण सिंह दौड़ा नूं गलबात लई पिंडरांवाले अते उन्हां दे समर्थकां कोल भेजा गया तां जो उन्हां नूं आत्म समर्पण लई मनाया जा सके, पर गलबात का कोई नतीजा नहीं निकलिया अते उह वापस परत आए, जिस मगरों गोलीबारी एक बार मुड़ तों शुरू हो गई। छे जून रात 2 बजे इस वेले तक यह साफ हो चुका सी कि खाड़कों की तैयारी बहुत तकड़ी अते बकायदा व्यौंतबंदी वाली है, जो किसी भी हालत विच आत्म समर्पण नहीं करने वाले। फौज का भारी नुकसान हो चुका सी। अपना सारा प्लान चौपट हुंदा वेख एक कमांडिंग अफसर ने बराड तो टैंक की मांग की। बराड नूं भी यह समझ आ चुका सी कि हुण इस तों बिना कोई चारा नहीं। सवेरे 5:10 बराड नूं खबर मिली कि केंद्र सरकार ने टैंक की वरतों के हुक्म दे दिते ने। बस फिर की सी, 5:21 से फौज ने टैंक नाल पहला हमला किया। जवाब दे विच खाड़कों ने भी एंटी टैंक मोर्टार दागे, पर फौज ने कवरिंग फायरिंग नाल टैंकां नाल हमला शुरू कर दिता। 6 जून सवेरे 11 बजे सूरज की तिखी धुप ने साफ कर दिता सी कि श्री अकाल तख्त साहब हुण फौज के कब्जे तो बहुता दूर नहीं। जानकारी के मुताबिक इस दौरान एक जोरदार धमाका होया। फौज ने समझा कि धमाका जानबूझ के किया गया ता जो पिंडरांवाला मिलिट्री मास्टरमाइंड शबाग सिंह अते उन्होंने खाड़कू साथी लुक के मौके तो बच सकन, पर जो धुएं का गुबार हटिया तो श्री अकाल तख्त साहब पूरी तरह टैटेड हो चुका सी। इस धमाके के नाल ही ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हो गया ते बाकी बचे खाड़कू होरना मोर्चा चो बाहर निकलन लगे, जिन्होंने फौज ने गिरफ्तार कर लिया। जून 1984 के पहले हफ्ते च वापरे इस दुखांत ने पंजाब के माहौल को अजिहे पुठे गेड़ च पाया कि साका ब्लू स्टार होने तो बाद लगभग एक दहाके तक पंजाब के लोगों को काले दौर नाल जूझना पिया। यही उम्मीद अते यही अरदास करते हैं कि पंजाब नूं अजिहे काले दौर का मुड़ के कदे भी सामना ना करना पवे। साका
साका नीला तारा दुखान दौरान सिख कौम का बहुत वड्डा नुकसान होया। जानी नुकसान के नाल नाल श्री अकाल तख्त साहब नूं टै टेरी कर दिता गया, पर सब तो वड्डा नुकसान जिहड़ा होया उह होया सिख रैफरेंस लाइब्रेरी का। अनमोल खजाना लुट लिया गया, साड़ दिता गया, तो उस खजाने की अज भी सिख कौम मंग करती है। सिख रैफरेंस लाइब्रेरी 27 अक्टूबर 1946 नूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों एक मता पास करके स्थापित की गई सी। दरअसल सिख रैफरेंस लाइब्रेरी दीयां जड़ां उदों तों वेखियां जा रही सन जदों अमृतसर के इतिहास के खालसा कॉलेज विखे 10 फरवरी 1945 नूं राजकुमारी बंबा की अगुवाई दे विच सिख हिस्टोरिकल सुसायटी की मीटिंग हुई, जिस दे विच सेंट्रल सिख लाइब्रेरी नूं स्थापित करन दा फैसला किया गया। बाद दे विच श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी ने लाइब्रेरी नूं सिख रैफरेंस लाइब्रेरी का नाम दिता। सिखां दा अनमोल खजाना इस लाइब्रेरी दे विच सुशोभित किया गया। भारतीय फौज वालों जारी सफेद पेपर के मुताबिक साका नीला तारा दौरान 1984 नूं सिख रैफरेंस लाइब्रेरी सड़के सुवाह हो गई सी, पर लोगों का कहना सी कि 6 जून नूं भी लाइब्रेरी का कुछ भी नहीं विगड़िया। उस वेले श्री अकाल तख्त साहब के सबका जथेदार जोगिंदर सिंह विदांती जो कि अरदासिया सिंह सन, उन्होंने मुताबिक साका नीला तारा ऑपरेशन तो बाद लाइब्रेरी वेखी गई तो लाइब्रेरी दे विच कोई भी अजिहे निशान नहीं सन जिस तों ए लगे कि लाइब्रेरी साड़ी गई है। जथेदार जोगिंदर सिंह विदांती के मुताबिक सिख रैफरेंस लाइब्रेरी दे विच सिख धर्म इतिहास और सभ्याचार का बहुमुला दस्तावेज और कीमती खजाना भी कथित तौर पर भारतीय फौज ट्रकों च भर के लै गई सी। उन्होंने ट्रकों को अमृतसर के यूथ क्लब च खड़ा किया गया सी। बाद दे विच लिखतां कित्थे गईआं किसे नूं कोई पता नहीं। उत्थे कोई भी ऐसी निशानी नहीं मैंने दिसदी भी ये लाइब्रेरी सड़ी होवेगी, अग लगी नाल थोड़ा थोड़ा धुआं जां कोई उहदे नाल जिहड़ी सुआह थोड़ी घणी भावें जिन्ना मर्जी धो लो साफ कर लो फिर भी वो अपनी निशानी रह जाती है, पर वह कमरियां दे विच कोई निशानी नहीं सी दिसदी। मैनू ये प्रतीत होया भी ये लाइब्रेरी साड़ी नहीं, ये सारा साडा साहित सीगा हथ लिखत ते सरूप सारे ये लै गए। उदों बाद भी कुछ बंदियां ने दसी गल भी इतों ट्रंक लिया के सारे सरूप समान जिन्ना सी पा के इतों लद के ट्रकां ते लै गए ने, लाइब्रेरी साड़ी नहीं है। ये साड़ की गल करते रहे ने ते कुछ साढ़े उच्च अधिकारी कहिंदे ने भी सरूप देते ने, उन्होंने वापस करते ने। उस सरूपां नूं मैं चंगी तरह दर्शन किए संभाल करदे ने। एक 8 कोने का सरूप सी जिहड़ा लाहौरों पाकिस्तान तों बाद इत्थे आया सी, चंदन दी बनी हुई वधिया जिहड़ी सीगी उहदे अपना जगह बनाई जिहदे विच रखण वास्ते उहनूं संभाल करन वास्ते उह चंदन दी बनी हुई सी जिहदे बड़ी चित्रकारी कीती सी। उह 8 कोना सरूप सी, सानूं बड़ी पछाण है, असीं झट देख सकदे हां भी जे सड़ी हुंदी चीज़ ते उत्थे उहदा कोई ना कोई मलबा हुंदा। जून 1984 दौरान साका नीला तारा का जो दुखांत जो भाणा सिखां नाल वापरिया उसका दर्द अज भी सिखां दे चेहरे ते साफ दिखाई देता। समय दे नाल भावें सिखां दे जख्म कुछ हद तक भर गए ने, पर सिख इतिहास की निशानी नूं याद दवाउंदी सिख रैफरेंस लाइब्रेरी अज भी श्री दरबार साहब दे विच सुशोभित है। हुण तक बहुमुले दस्तावेजा नूं सरकार वालों वापस नहीं किया गया। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुताबिक जानबूझ के सिखां दे विरसे ते इतिहास नूं खत्म करने लई इस खजाने नूं अग ला दित्ती गई सी अते कुछ नायाब पुस्तकां ते बहुमुली वस्तां फौज अपने नाल लै गई। यह दावा किया गया श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों। कमेटी यह भी कहती है कि वार वार कोशिशों के बावजूद यह खजाना ते दस्तावेज हुण तक वापस नहीं मिले। अकाल तख्त साहब के सबका जथेदार ज्ञानी जोगिंदर सिंह विदांती जो उस वेले श्री हरिमंदर साहब के अरदासिया सिंह सन, उन्होंने दसिया कि वह उस वेले मौजूद सन जो साका नीला तारा वापरिया, तो उन्होंने मुताबिक यह सरकार का फेलियर सी जो इन्ना वड्डा हादसा वापर गया। उन्होंने यह भी दसिया कि जेकर कुछ धिरां उस वक्त सियाणप वरतदियां तो शायद साका नीला तारा टालिया जा सकता सी। जोगिंदर सिंह विदांती इस वक्त इस दुनिया के नहीं ने, पर जो वह मौजूद सके उदों असी उन्होंने बयान कलबबद्ध किए सन।
जिस वेले साका नीला तारा दा महा दुखांत वापरिया उस वेले तख्त श्री अकाल तख्त साहब दे साबका जथेदार ज्ञानी जोगिंदर सिंह वेदांती श्री दरबार साहब विखे अरदासिए सिंह सन। जदों फौज दा हमला शुरू होया उस वेले ज्ञानी जोगिंदर सिंह वेदांती दरबार साहब दी हजूरी दे विच मौजूद सन। ज्ञानी जोगिंदर सिंह वेदांती नाल जदों इस बारे गल कीती गई तां उन्हां कहा कि उस वक्त नूं याद करके अज भी रोंगटे खड़े हो जांदे ने। उन्हां सरकार दी नीयत उत्ते सवाल चुकदिआं इह सवाल खड़ा कीता कि की सरकार दा खुफिया तंत्र इन्ना निकम्मा सी कि उस नूं इह पता नहीं लग सकिया कि वड्डी मात्रा दे विच मारू हथियार श्री दरबार साहब दे अंदर जा रहे ने। पर मैं इह देखिआ वी जिहड़ियां सरकारां ने ਉਹ ਖੁਫੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ CID ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ CID ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧੂੜੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਰਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੰਬ ਗਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਲੋਥਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਕਬਾਊ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਟਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਾਰੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਹਸਤਲਿਖਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਦਾਂਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 1-2 ਅਤੇ 3 ਜੂਨ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੌਜ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਗੋਲਾ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਇਹ ਗੋਲਾ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਡਰ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ 1-2-3 ਠੀਕ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ 4:45 ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੰਧੀਆਂ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਾਬੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਸਿੰਧੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਗੋਲਾ ਵੱਜਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੁਝ 5-10 ਸਿੱਟਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਥੱਲੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੋਲਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੋਲੀਆਂ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਦਾਂਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਹੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। 4 ਤੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਢਾਹੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਭੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ, ਇਸ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਏ।
4 तरीक नूं फिर मैं ड्यूटी ते सी गए। उदण जिहड़ी 3 तरीक सी शाम नूं असीं फिर सरूप महाराज जी दा पालकी अकाल तख्त ते नहीं जा सके, उत्थे ही फाकी पौड़ी ते महाराज दा सरूप विराजमान कर दिता। मैं 4 तरीक नूं फिर जदों अमृत वेले इशनान करके घर वाली भी मेरी सिखणी नाल असीं कहा भी चलो दर्शन करदे आं नाल, चलो आए ते भाई साढ़े सिंह साहब ज्ञानी सिंह साहब सन, उन्होंने साढ़े जांदियां नूं प्रकाश किया जी महाराज का सरूप। तो असदी वार कोई कीर्तन वाला कोई नहीं सीगा, वो समा बस फिर लंघ गया। तो 10 बजे नूं भाई गुरदीप सिंह मेरे साथी आ दसी आ वह आ गया, वो आने नाल मैं वापस इत्थे आ साड़ा आला दुआला जिहड़ा सी सारा आर्मी ने घेर लिया। फिर 4 तरीक 5 तरीक शाम तक तो फिर भी कोई भी जगह खाली नहीं सीगी।